रनसू के शिवखोड़ी धाम में भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकवादियों ने ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर दिया था, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी होती थी और उसमें 3 साल का एक मासूम सा बच्चा भी था जो उस हमले में जो है वो मारा गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये सभी श्रद्धालु जो है वो यूपी के रहने वाले थे, जो भोले बाबा के दर्शन करने के बाद कटरा की ओर जा रहे थे, लेकिन शिवखोड़ी के कंडा क्षेत्र में जो है वो आतंकवादियों ने घात लगाए। जो आतंकवादी जंगल में बैठे हुए थे उन्होंने जो है वो बस के ड्राइवर के ऊपर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। जैसे ही ड्राइवर के माथे पर वो गोली लगी और बस जो है वो गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 41 लोग जो है वो घायल हो गए थे, 9 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें से एक 3 साल का मासूम सा बच्चा भी था। यह पूरी घटना जो है वो जैसे ही घटी थी उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज के तमाम लोग जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन के लिए जुड़ गए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं जो लोग घायल हुए थे घायलों को जो है वो अस्पताल में ले जाया गया था। लोकल लोग जो है वो वहां पर मौके पर पहुंचे थे, फिर पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस भी वहां पर पहुंच गई थी, लेकिन लोकल लोगों ने जो है वो काफी सहयोग उस वक्त किया था। और सभी जो घटना घटी थी हम मौके पर वहां पर पहुंचे थे, सबसे पहले हमने वो विजुअल जो है वो तमाम लोगों तक पहुंचाए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज उस घटना का दूसरा तीसरा दिन है, लेकिन लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। पूरे जंगल को जो है वो खंगाला जा रहा है, ड्रोन की सहायता से भी पूरे जंगल को जो है वो खंगाला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग जो है वो हासिल नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह है कि 15 से 20 लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है, यानी कि उन संदिग्ध लोगों से जो है वो पूछताछ की जा रही है। बताया जाता है कि जैसे ही वो गाड़ी उस घटना क्रम में पहुंची थी उसके पीछे पीछे एक गाड़ी भी थी, वो थार या कुछ एक छोटी गाड़ी जो है वो बताई जा रही है। उसके एक मिनट के बाद वो गाड़ी जो है वो वापस आ जाती है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो गाड़ी जो है वो उसकी भी जहाँ जो है वो जुटी है। पता चला कि वो गाड़ी जो है वो रनसू के ही किसी व्यक्ति की थी, वो उसने गाड़ी जो है वो बेच दी थी। उसके बाद जैसे ही ये घटना घटी थी उसके बाद जो है वो कुछ गाड़ियां जो सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है वो कुछ गाड़ियां उस नाके जहां पर ये कंडा क्षेत्र है वहां पर जो है वो कुछ गाड़ियां रुकी थी और तब लोगों को अंदेशा हो गया था कि आतंकवादियों ने जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी। क्योंकि जब ये फायरिंग हुई थी तब जो गाड़ियां थी वो मात्र जो है वो 5 से 7 मिनट का रास्ता था जहां पर वो गाड़ियां खड़ी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो बच्चा जो है वो इस घटना में मारा गया था वो मात्र उस बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल बताई जा रही है। और इस बच्चे की पहचान जो है वो आपको बता दूं कि टीटू सहानी और वो उनकी माता भी जो है वो इस आतंकवादी हमले में मारी गई है। उनकी पहचान पूजा सहानी और उनकी भी जो है वो उस वक्त मौके पे ही मौत हो चुकी थी और ये रहने वाले राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। और मैं आपको बता दूं कि एनआईए की टीम जो है वो घटनास्थल पर पहुंची है, कल ही वो टीम जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है और वहां पर वो टीम जो है वो पहुंची है और जांच में जो है वो जुट चुकी है। घटनास्थल की हम कुछ तस्वीरें जो है वो आपको दिखाना चाहेंगे जो मौके पे ये घटनास्थल हुई थी और उस वक्त ये हम वहां पर मौके पे पहुंचे थे। और देखिए कि किस तरह का वो मंजर था, खौफनाक ये मंजर है। ये गाड़ी की ये हालत हुई है, ये कंडीशन है। गाड़ी के दोनों पहिए जो है वो खुल चुके थे। ये एक तीखी पहाड़ी थी जहां पर जो है वो ये पूरी वारदात हुई है। और देखिए आप जैसे ही गाड़ी ड्राइवर के माथे पे गोली चली और गाड़ी जो है वो इस पहाड़ी से जहां से रोल आउट होते हुए नीचे जो है वो पहाड़ी में चले गई। शुक्र यह है कि गाड़ी जो है वो पहाड़ी के नीचे चले गई। अगर गाड़ी रोड पे ही रहती तो आतंकवादी जो है वो गाड़ी के बीच घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते और सभी लोगों को जो है वो मौत के घाट उतार देते। लेकिन ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जैसे ही गाड़ी नीचे रोल आउट हुई तो उसके बाद जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां फिर भी गाड़ी के ऊपर बरसाई गई। आतंकवादियों ने तब तक ये गोलियां बरसाई जब तक उन्हें लगा नहीं कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो जिंदा हो। अपने से वो पूरा लोगों को जो है वो मार के चले गए थे। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये गोली जो है वो ये गोली का निशान है और अगर इसकी इस तरफ मैं कहूँ तो वहां पर भी जो है वो गोली का निशान बना हुआ है, यानी कि अंधाधुंध गोलियां जो है वो जहां पर चलाई गई थी और एक मासूम सा बच्चा 3 साल का उसकी भी इस आतंकवादी हमले में जो है वो मौत हो चुकी थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, ड्रोन की सहायता ली जा रही है, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। और कल भी जो है वो कुछ संदिग्धों को देखा गया था, पूरी पहाड़ियों को जो है वो सुरक्षा बल जो है वो छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल सब लोगों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये आतंकवादी जो है वो इन्हें इनके अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। ये घना जंगल है और जिसके जो गाड़ी के दो पीछे पहिए होते हैं ये दोनों पहिए जो हैं वो खुल चुके हैं और ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो बरसाई गई थी, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक इस हमले में मौत हो चुकी थी और 41 के तहत लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जैसे ही जांच में कुछ निकल के सामने आता है आप लोगों तक जो है वो साझा किया जाएगा। पल पल की अपडेट जो है वो हम देते रहेंगे और इस घटनाक्रम में जितना भी
जो भी जांच में निकलेगा वो आप लोगों तक जो है वो साझा की जाएगी। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहें जैसी जगह न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय।